नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.6 का एक का 9 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण के रूप में बदल के इसको सॉल्व करने बोलता है। तो देखिए यहाँ पे बट्टे में जो है दोनों में सेम सेम है, तो सबसे पहले इसको और इसको मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? माना 1/x प्लस 2y बराबर यू मान लेंगे, तथा 1/2x माइनस वाई बराबर भी मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी, यहाँ पे 9u, यहाँ पे 6 भी। तो यहाँ लिखेंगे 2u प्लस भी। देखिए इसको इधर दाहिने साइड टपा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5/9 हो जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9u फिर प्लस 6 भी बराबर, इसको इधर दाहिने साइड टपा देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। ये सेकेंड समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं और यू का वैल्यू निकालते हैं और भी का। तो देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ पे 9 से गुना हो जाएगा, फिर ई 2 नीचे से गुना हो जाएगा, 18u प्लस 9 भी बराबर। यहाँ देखिए जब गुना होगा ई 9, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 5। फिर अब 2 से गुना करेंगे तो 18u प्लस 12 भी बराबर 4 × 8। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 18u कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 3 भी बराबर, यहाँ भी 3 बचेगा, भी बराबर 3/-3, तो भी बराबर -1 निकला। अब भी किसको मान के चले हैं, 1/2x माइनस वाई बराबर -1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है, कोना कोने गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, ई वाला ई पूरे से गुना होगा, और यहाँ प्लस वाई बराबर 1। ई समीकरण थर्ड निकल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को लेके चलेंगे और यू का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट करना है 2u प्लस भी बराबर -5/9। 2u देखिए यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर -5/9। -1 को इधर दाहिने साइड टपा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5/9 प्लस 1। तो देखिए 2u बराबर LCM लेंगे, 9 होगा और इधर -5 प्लस इधर 9 हो जाएगा, 2u बराबर यहाँ पे 4 बचेगा, नीचे 9, अब इधर गुना इधर आएगा तो भाग u बराबर 4/9 गुना 2, 2 से कटेगा दो बार में, 2/9। u किसको मान के चले हैं, 1/x प्लस 2y बराबर 2/9। कोना कोने गुना होगा, ई 2 से ई पूरे को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4y बराबर 9। ये समीकरण 4 निकल गया। समीकरण थर्ड एंड 4, समीकरण थर्ड कितना है, -2x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण थर्ड, फिर समीकरण प्लस 4y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पे बिना चिन्ह परिवर्तन किए ही कट रहा है, 2x तो कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5y बराबर यहाँ पे 10, तो y बराबर कितना निकल गया, 10/5, 5 से कटेगा 2, तो y का वैल्यू 2 निकल गया। ये फर्स्ट आंसर हो गया समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर।
कितना है समीकरण थर्ड, 2x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 2x, y के जगह पे 2 रखेंगे बराबर 1, तो माइनस 2x बराबर, इसको इधर टपाएंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 1 बाय 2, ये आंसर निकल गया। धन्यवाद दोस्तों।